राहुल गांधी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई 28 जनवरी को जयपुर में राहुल गांधी की युवा आक्रोश रैली है। अल्बर्ट हॉल से राहुल गांधी हुंकार भरेंगे, जगह तय हो गई है बेरोजगारी, देश में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर युवा आक्रोश रैली कांग्रेस की तरफ से आयोजित की जाएगी। तो दोपहर 12 बजे युवा आक्रोश रैली शुरू होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने रैली की तैयारियों पर नजर बनाई हुई है और अल्बर्ट हॉल से राहुल गांधी हुंकार भरेंगे। दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल केंद्र सरकार के खिलाफ, आपने देखा था इसके पहले दिल्ली में भी कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम था, राज्यवार भी वो कार्यक्रम चलाया गया था। और अब राहुल गांधी फिर से जयपुर में होंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ उनका ये बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। अल्बर्ट हॉल से वो हुंकार भरेंगे और तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सत्ता संगठन में जो दूरी दिखाई दे रही थी वो दूरी भी पड़ती दिखाई देती है, एक साथ दिखाई देते हैं। युवा आक्रोश रैली का नाम दिया गया है युवाओं को टारगेट करने के लिए, क्योंकि रोजगार का एक मसला सीधा युवाओं से जुड़ा, अर्थव्यवस्था का मसला जो सीधा रोजगार को भी अफेक्ट करता है, बाकी जो योजनाएं हैं केंद्र की, चाहे वो आप शिक्षा के क्षेत्र के बजट को देख लीजिए या फिर आप हेल्थ सेक्टर को देख लीजिए, बिजनेस से जुड़े लोग जो है एमएसएमई सेक्टर के उनको देख लीजिए, उनके ऊपर सीधा इफेक्ट होता है। अगर अर्थव्यवस्था डामाडोल होती है तो राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो, लेकिन इन सब के बीच में आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो भी इशारा करती है कि फिलहाल स्थिति नहीं सुधरने वाली है, अभी इसका असर और देखने को मिलेगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश जुड़ गए हैं। तो तय हो गया है वक्त और जगह है नरेश, तो आप इसको कामयाब बनाने के लिए जोरदार तरीके से जुटेंगे, तो ये क्या माना जाए कि सत्ता और संगठन दोनों एक साथ होंगे पूरी तरीके से, कोई गैप नहीं दिखेगा उसमें? बिल्कुल, देखिए जिस दिन राहुल गांधी का जयपुर दौरा तय हुआ था उसी दिन सत्ता और संगठन दोनों इस रैली को सफल बनाने में जुट गए हैं। चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें या कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी की बात करें, तमाम जो नेता है वो राहुल गांधी की इस युवा आक्रोश रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए जुट चुके हैं। और आपने देखा होगा कल की तस्वीरों में बहुत जगह पहले तलाश की गई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से जगह देखने के लिए, पायलट भी थे, मंत्री भी थे, विधायक भी थे और तीन के पदाधिकारी, उसके बाद जगह जो है फाइनल हुई है, समय भी फाइनल हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि जो ऐसी रैली है जितना वो पूरे देश में आयोजित की जाएगी, राहुल गांधी पूरे देश में जाएंगे, लेकिन इसका आगाज है वो राजस्थान से हो रहा है, इसकी शुरुआत राजस्थान से हो रही है। अच्छा, इसका कुछ खास मतलब क्या नरेश, यहाँ पर राजस्थान से शुरुआत, जयपुर से टारगेट करना सबसे पहले युवाओं को? खास वजह वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये पहल की थी कि जो रैली हो उसकी शुरुआत है वो राजस्थान से, जो कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक नाम जो जयपुर में है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन सबसे खास बात जगह तय हो गई, अल्बर्ट हॉल से राहुल गांधी हुंकार भरेंगे और वक्त भी तय हो गया, 12 बजे का वक्त रखा गया है, युवा आक्रोश रैली इसका नाम दिया गया है और अब पुरजोर तरीके से सभी नेता जुट जाएंगे तैयारियों में। एक टारगेट भीड़ का कि कितने युवाओं को यहां पर लाया जा सकता है, कितना बड़ा ये कार्यक्रम हो सकता है, ताकि बीजेपी को मैसेज दिया जा सके, लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके, जयपुर के इस कार्यक्रम के जरिए पूरे देश में मैसेज पहुंचाया जा सके कि लोगों में आक्रोश है वाकई में अर्थव्यवस्था को लेकर। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि एक्सपेक्टेशन भी बहुत है, 1 तारीख को बजट आने वाला, उसके पहले राहुल गांधी यहां पर क्या कुछ कहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कितना ज्यादा एक्टिव है आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगातार वो सभी जगहों का दौरा करते रहे, अल्बर्ट हॉल का भी दौरा किया और जो सबसे खास बात थी कि सत्ता और संगठन की दूरी भी इस कार्यक्रम के तहत अब दूर होती दिखाई देती है, फिर से वही एकजुटता जिसको लेकर विरोधी हमलावर होते दिखाई देते थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश लगातार बने हुए हैं। नरेश, वही हम बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे देश में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जयपुर से की जाएगी, विरोधियों को जवाब देने की कोशिश की जाएगी, तो अब ये कितना बड़ा कार्यक्रम है, यहाँ पर सत्ता और संगठन को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किन किन लोगों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? देखिए, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात की है तो ये जिम्मेदारी संयुक्त रूप से है, सत्ता की भी है और संगठन की भी है, लेकिन जो पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग है वो यूथ कर रहे हैं। और यूथ में बात करें तो एनएसयूआई
और यूथ कांग्रेस, इन दोनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पिछले दो दिन से जयपुर में ही है और उनके कहते हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही पूरा कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि ये जो रैली है ये पूरी तरह से युवाओं की रैली है और जो टारगेट दिया गया है वो भी ये है कि सभा में भले ही कांग्रेसी कार्यकर्ता और अन्य लोग भी आए लेकिन 90% युवा होने चाहिए। और देखिए अब कांग्रेस का फोकस ये है कि अगर उनको देश में वापसी करनी है, कांग्रेस को अगर कोई माहौल बनाना है कांग्रेस के पक्ष में, तो उनको युवाओं को तो युवा